नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई महाराष्ट्र की 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि वह महाराष्ट्र को बचाने के लिए विपक्षी गठबंधन में सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित मुख्यमंत्री के किसी भी चेहरे का करेंगे समर्थन। मुंबई के बांद्रा इलाके में हुआ भीषण सड़क हादसा। स्कूल से घर वापस लौट रहे छठी कक्षा के छात्र को एक तेज रफ्तार बस ने मारी टक्कर। मौके पर हुई बच्चे की मौत। बस चालक विजय बागल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाने जिले के अंबरनाथ से चौंका देने वाला मामला आया सामने। पति ने शक के चलते पत्नी की गला दबाकर कर दी हत्या। फरार आरोपी की तलाश कर रही पुलिस। थाने जिले के कल्याण से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। गरबा देखने के लिए ट्रांसफार्मर की दीवार पर चढ़े 15 वर्षीय युवक की करंट लगने से हुई मौत। परिवार में पसरा मातम। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी ने दी फौरन आत्मचिंतन की नसीहत। लेकिन लगे हाथों उद्धव ठाकरे ने किया बड़ा ऐलान। कहा मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, वो महाराष्ट्र को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे चुनाव। मुंबई के बांद्रा के निर्मल नगर इलाके से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। 18 साल की युवती को नशे की दवा देकर किया गया दुष्कर्म। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पास महाराष्ट्र में है एक जागरूक नेतृत्व। हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम का महाराष्ट्र पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। दिल्ली में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। इस बैठक में नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम दीपा पाटिल के नाम पर रखने की हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। अमरावती जिले में 10 मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे उद्घाटन। पुणे बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। सतारा से कराज पर कोडसी के पास एक फॉर्च्यूनर को पीछे से टाटा नेक्सॉन कार ने मारी टक्कर। हादसे में कार में सवार लोग हुए घायल, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए। और इन24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना।